तो इस पेपर का आखिरी सवाल है जो कि डिजिटल सर्किट से है। इसमें कहा गया बोथ द डायोड्स यूज इन द सर्किट शोन, देखेंगे यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है, एक डायोड है D1, दूसरा डायोड है D2, है ना। तो कहा गया बोथ द डायोड्स यूज इन द सर्किट शोन आर एज्यूम टू बी आइडियल एंड हैव नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस व्हेन दीज आर फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड में इनका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो माना जाता है। बिल्ट इन पोटेंशियल इन ईच डायोड इज 0.7 वोल्ट। फॉर द इनपुट वोल्टेज शोन इन द फिगर द वोल्टेज एट पॉइंट ए इज, देखेंगे यहां पर 12.7 वोल्ट दिया गया है, यहां पर 4 वोल्ट, यहां पर 0 वोल्ट। ये पॉइंट ए का पोटेंशियल हमें बताना है, ठीक। तो चूंकि ये वाला डायोड देखेंगे ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, क्यों, इधर हायर पोटेंशियल है, इधर 0 भी कम है 4 भी कम है इससे, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है इससे तो कम ही आएगा। इससे कम आने का मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा, और फॉरवर्ड बायस्ड में इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, तो जो भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आएगा वो केवल आएगा बैरियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी की वजह से आएगा, है ना। तो ये बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है वो बताया गया है, जो इनबिल्ट पोटेंशियल बताया गया 0.7, तो यहाँ पर 12.7 वोल्ट है, तो यहाँ पर जाने पर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो 0.7 से कम होगा, यानी यहाँ का जो पोटेंशियल है ए का वो हो जाएगा 12.7 माइनस 0.7 यानी कि 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, देखेंगे इससे ये ज़्यादा, इससे ये कम वोल्टेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में क्या होता है कि डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही लार्ज होता है, इनफाइनाइट तो नहीं होता लेकिन होता लार्ज है, ठीक है। अब उस रेजिस्टेंस की वजह से भी यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और एक इनबिल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कितना रेजिस्टेंस होगा इस रिवर्स बायस में वो रेजिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, इसलिए यहां का इधर से हम इधर नहीं निकाल सकते थे लेकिन यहां से इधर निकाल सकते थे, ठीक। अगर यहां का रेजिस्टेंस हमें पता होता तो यहां से इधर का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते थे इसको रेफरेंस लेकर के, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस यहां का हमें पता नहीं है तो यहां से इधर नहीं जा सकते, बल्कि यहां से यहां जा सकते हैं क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस 0 कहा गया, नेगलेजिबल रेजिस्टेंस बताएगा फॉरवर्ड बायस में, तो इसका अपना रेजिस्टेंस 0 है, जो भी है वो जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से है, तो वो हमने माइनस करके यहां पर निकाल लिया, ठीक, यहां पर 0 है। तो हमें बताना था कि पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा, तो ये आएगा 12 वोल्ट, तो इसका जो आंसर है वो 12 आएगा।